Okay, so This call is now being recorded. let us start. I think today we are standing at 27th of September, and I assume that by 30th of October everyone would everyone of 30th of no, sorry 30th of September, all of you would be in such situation that you have completed around 80% of syllabus. आपका पूरा खत्म हो चुका होगा एंड 20% जो बचा होगा वो बहुत माइनर पोर्शन होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं बचा होगा इस सिचुएशन पे. ये एक आइडियल सिचुएशन है, बट अगर कोई सिचुएशन में नहीं है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, हम आगे के प्लान डिसाइड कर सकते हैं. बट मैं अभी इस सिचुएशन के हिसाब से आगे का प्लान पूरा डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ. तो 30 सितंबर हो गया, तो वी कैन स्टार्ट विद आर फर्स्ट रिविजन फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक हम हमारा पहला रिविजन चालू करेंगे. आई थिंक ये 20 डेज का टाइम होगा जिसमें हम हमारा फर्स्ट रिविजन लेंगे. फिर 20 अक्टूबर मैं पूरा बताऊंगी अभी, पहले रिविजन को कैसे करना है, दूसरे रिविजन को कैसे करना है, सब कुछ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी. अभी जस्ट मैं एक नॉर्मल टाइमलाइन बता रही हूँ आप सबको, और बीच में किसी को भी डाउट आता है तो मेरे से आखिरी में पूछ लो ना, मैं सब बता दूंगी. फिर अभी हम लोग फर्स्ट आई थिंक 30 अक्टूबर रखते हैं, 31 अक्टूबर तक हम हमारा सेकेंड रिविजन करेंगे. दैट वुड बी ऑफ अराउंड 11 डेज, 11 8 10 डेज ही समझो. एंड देन 1 नवंबर से लेके 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस आवर मॉक्स. एंड देन 9 नवंबर को हमारी एग्जाम होगी. तो ये जो भी बचे हुए 4 डेज होंगे इसमें हम लोग हमारा थर्ड एंड फाइनल रिविजन कर लेंगे. अभी मैं सबको बता देती हूँ कि फर्स्ट रिविजन कैसे करना है. फर्स्ट रिविजन हमारा होगा 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक, मतलब 20 डेज हो गए एंड वी हैव 62 रीडिंग्स. अब 62 रीडिंग्स आई थिंक किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 62 की 62 रीडिंग सारी अच्छे से हो. तो आई वुड सजेस्ट कि 57 रीडिंग्स इसमें से ऐसी करना जिसमें आप लोगों ने पूरा स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक एकदम अच्छे से सॉल्व कर रखे हो, एकदम डिटेल्ड वे में होने चाहिए. एटलीस्ट 57 चैप्टर एकदम प्रॉपर आपको आने चाहिए. एंड आई थिंक 5 रीडिंग्स तो सबकी ऐसी होती है कि कुछ स्किप कर दिया आपने या फिर कुछ पोर्शन आपको अच्छे से नहीं आ रहा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन 57 जितना करो उतना अच्छे से करके जाना. 57 क्या है, तो टेल अगर 55 भी करो तो वो एकदम अच्छे से करके जाना. एंड यू हैव 20 डेज, तो आई वुड सजेस्ट कि हर दिन यू हैव टू डू 3 चैप्टर्स मिनिमम. 3 चैप्टर्स मिनिमम यू हैव टू रिवाइज. अभी कैसे रिवाइज करना है वो सब मैं आगे बता रही हूँ, बट 3 चैप्टर्स इतना आपका होना चाहिए कि 3 चैप्टर्स आपके पूरे अच्छे से रिवाइज हो रहे हैं. इसको कैसे रिवाइज करेंगे, अगर आप लोग श्वेसर से पढ़ते हो तो श्वेसर, या तो फिर आपके पास जो भी स्टडी मटीरियल है, सबसे पहले आपको स्टडी मटीरियल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. जैसे हम बुक 4 कर रहे हैं, तो बुक 4 का पहला चैप्टर है मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. अभी इसमें कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ोगे एकदम, यू विल रीड इट वेरी नाइसली, इन डेप्थ रीड करना, कुछ भी छोड़ना मत, एकदम अच्छे से करना. एंड देन आफ्टर रीडिंग दिस व्हाट यू विल डू इज व्हाइल रीडिंग ओनली, सब कुछ जो इंपॉर्टेंट लगता है ना उसे एकदम अच्छे से हाईलाइट करना. जैसे यू फील दैट सम टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, या फिर उस टॉपिक में कोई ऐसी लाइन्स हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या उससे कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है, तो वो अच्छे से हाईलाइट करके रखना. क्योंकि ये आपको सेकेंड और थर्ड रिविजन में ये हाईलाइटिंग करने वाली चीज आपको काफी काम आएगी.
एंड देन उसके बाद एक बार स्टडी मटेरियल हो गया, उसके बाद यू विल गो टू योर क्वेश्चन बैंक। इसमें ये जो चैप्टर आपने रीड किया इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप समझो आपके पास 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन तो सारे किसी को आते नहीं होंगे। हो सकता है जैसे मैं करने बैठी मुझे 40 क्वेश्चन आ गए अच्छे से, 10 क्वेश्चन ऐसे रहे जो मेरे से अच्छे से नहीं हो रहे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन मार्क दीज क्वेश्चन। और ये 40 में से भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, तो हमें उसे वापस से रिवाइज करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम अच्छे से मार्क करके रखेंगे, ये जो भी क्वेश्चन रहेंगे इनको हम अच्छे से हाईलाइट करेंगे, और इधर भी अगर हमें लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट है बहुत तो उसे भी आप हाईलाइट कर लेना। अब ऐसा हो सकता है कि काफी, अब तीन चैप्टर हमें करने हैं तो हम एक ही बुक में से तीनों चैप्टर करें या फिर दो अलग अलग बुक लेके तीन अलग अलग चैप्टर्स करें। तो तीन अलग अलग चैप्टर्स इन द सेंस, लेट मी जस्ट टेल यू हियर, जैसे आप पहले पहले आपने बुक थ्री के दो चैप्टर्स कर लिए एंड बाद में आप बुक टू पे आए और एक चैप्टर आपने उसका कर लिया, तो इससे क्या होगा, किसी को अगर ऐसा होता है कि वो एक बुक पढ़ पढ़ के पूरे दिन बोर हो गया, तो यू कैन डिवाइड योर डे इन लाइक दिस कि आप दो बुक्स में डिवाइड कर दो उस डे को। अब कैसे करोगे, मैं क्या करती थी, मैं अपना बता देती हूँ, आप इसे फॉलो कर सकते हो सब लोग। जैसे मैं, व्हाट आई विल डू, आई विल वेक अप एट 7 AM, तो 7:30 to 10 AM में एक सेशन ले लेती थी, तो अपना खुद का एक स्टडी सेशन ले लेती थी और उसमें मैं एक चैप्टर अच्छे से कर लेती थी। तो समझो मैंने बुक थ्री का कोई एक चैप्टर कर लिया, इसमें मैंने स्टडी मटेरियल भी कर लिया और अपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, सब किया एंड 11 AM पे आई यूज टू स्टार्ट अगेन एंड 11 AM to 2:30 एक और स्लॉट कर दिया, उसमें मैंने एक और चैप्टर कर लिया बुक थ्री का ही। दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल, आप तीनों, आप एक दिन में एक ही बुक भी पूरी कर सकते हो और दो बुक्स चाहो तो दो बुक्स भी ले सकते हो। देन बाद में 4 PM में वापस से बैठी, तो 4 PM to 6:30 PM बैठ के मैंने एक कोई भी चैप्टर उठाया और बुक टू का कर लिया। तो ऐसे रखना, एक इजी बुक एक टफ बुक, मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखती थी, बुक थ्री और बुक टू को पहले फिनिश करेंगे एंड देन उसके बाद बुक वन और बुक फोर। अब यहाँ पे लोग फोर और टू ये दो ज्यादा ट्रिकी समझते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे करते करते आई थिंक तीन चैप्टर आप डेली करोगे तो आपके 60-62 चैप्टर्स तो आराम से हो ही जाएंगे रिवाइज। एंड देन इसके बाद आज उसके बाद आई थिंक उसके बाद 21 अक्टूबर आ जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट विथ योर सेकेंड रिविजन जो हमारा होगा 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर, where you will have 10 days only. अब 10 दिन में 62 chapters वापस से कैसे revise करें, तो यहाँ पे हम short करेंगे और एकदम फटाफट try करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम revise करें। तो you have 10 chapters, sorry, you have 60 chapters and 10 days. So you can divide it like 6 chapters per day. अब इसमें 6 चैप्टर्स आप पूरे के पूरे रीड करने नहीं बैठ सकते, तो व्हाट यू विल डू कि हमने यहाँ पे जैसे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट करे थे, जो जो भी इम्पोर्टेंट टाइटल्स हाईलाइट करे थे, जो बातें हमने यहाँ पे हाईलाइट करी थी कि हमने जब पहली बार स्टडी मटेरियल पढ़ा था हमें लगा था हमें इसे वापस से रिवाइज करना है, तो ये और क्वेश्चंस भी, तो हम वही सब चीजें जो स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस की थी जो हमने सोचा था कि वी हैव टू अगेन रीड, हम वो सब वापस से करेंगे। ऐसे आप करोगे एंड आई थिंक ऐसे करते करते यू विल रीच 31 अक्टूबर एंड आपका सेकेंड रिविजन भी पूरा अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 नवम्बर, आई नो 1 नवम्बर दिवाली है, बट थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लेना अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो फिर 1 नवम्बर से 5 नवम्बर आई वुड टेल कि आप मॉक्स चालू कर दो, मॉक्स की प्रैक्टिस एंड मॉक्स सबसे पहले 2 गार्ड के मॉक्स करना, उसके बाद कोई भी मॉक करना, क्योंकि गार्ड के मॉक पे मॉक्स जो है वो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखे, तो सबसे पहले स्टार्ट विद गार्ड के मॉक्स। अब इसे कैसे करोगे, जैसे आप लोग
वैसे तो आई वुड प्रेफर कि सब लोग सुबह का ही स्लॉट लो, क्योंकि अगर आप 2 से 6 का स्लॉट लोगे या फिर 1 PM का स्लॉट लोगे दिन में, तो पूरी सुबह टेंशन में जाएगी और फिर रिविजन भी नहीं होगा अच्छे से एंड टेंशन ज्यादा होगी. तो आई वुड प्रेफर कि आराम से सुबह 10 बजे का आप स्लॉट बुक करो, 10 to 2 के स्लॉट में आराम से एग्जाम दे दो. एंड मॉक्स भी फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना. जब आप मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो टाइमिंग आपने एग्जाम का रखा है वही टाइमिंग्स पे अपना मॉक्स आराम से बैठ जाना, और कुछ भी बुक्स वगैरह मत रखना, जस्ट योर कैलकुलेटर, जो भी आप एक रफ पेज रखना, एंड अप लैपटॉप में आप अपना मॉक रखना. और कुछ भी ऐसा भी नहीं कि हम फॉर्मूला देख ले, ये देख ले, कुछ भी नहीं देखना. जस्ट सिट फॉर 4 आवर्स, सबको बोल दो कि डिस्टर्ब नहीं करना, एंड 4 आवर्स बैठ के पूरा मॉक देना. देन उसके बाद उसे इवेल्युएट करना है. तो उसे इवेल्युएट कैसे करेंगे, जस्ट टेक अ शीट ऑफ पेपर. यहाँ पे मैं रफ एक डायग्राम बता रही हूँ. अब इस शीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना फॉर ईच बुक. बुक 1 हो गई, बुक 2, बुक 3 एंड बुक 4. ऐसे 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे. एंड देन जब आपका मॉक एक बार सॉल्व करके हो जाएगा तो आप नीचे आओगे ना, जैसे गार्ड का मॉक तो PDF फॉर्मेट में होता है, तो नीचे आओगे ना तो हर क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया होगा, और आंसर में लास्ट में हेडिंग करके लिखा होगा कि ये क्वेश्चन कौन से बुक में से था. तो यू विल गेट टू नो कि वो बुक 1 का था, बुक 2 का था, बुक 3 का था या बुक 4 का था. एंड देन ऐसे ही उसे डिवाइड कर देना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बुक 1 का था, सेकेंड क्वेश्चन बुक 3 का था, हो सकता है फोर्थ थर्ड क्वेश्चन बुक 4 का हो, फिफ्थ इसका हो. तो ऐसे जस्ट डिवाइडेड. आई एम जस्ट राइटिंग रैंडम नंबर एक्सप्लेन करने के लिए. अभी ऐसे आप डिवाइड कर देना, हर एक क्वेश्चन को डिवाइड कर देना. ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी मैं बताती हूँ, आगे एक्सप्लेन करती हूँ पूरा. जैसे आपने डिवाइड कर दिया, देन स्टार्ट चेकिंग. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट है तो कुछ भी नहीं करना. अब जैसे मैं आ रही हूँ, चेक करते करते आई कुड सी दैट मेरा 13th क्वेश्चन रॉन्ग है, तो जस्ट इसको एक सर्कल करके या फिर कुछ भी मार्क करके रख लेना. देन यू आर सीइंग दैट योर 86th क्वेश्चन इज रॉन्ग. ये कुछ 3 4 क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं, जो भी आपको रॉन्ग मिलते हैं, उनको जस्ट एक मार्क करके रख लेना, जिससे आप वापस से जब रिवाइज करो तो आपको पता रहे. एंड मॉक्स के सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आइडियल मार्क्स क्या होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि 55 से 65 के बीच में ट्राई टू स्कोर कि आपके मार्क्स इतने आए, क्योंकि ये आइडियल मार्क्स होते हैं. अगर इतने ही और स्कोरिंग इन मार्क्स तो मतलब आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी. बट ऐसा भी नहीं है कि किसी को 45 आ गए तो दैट मीन्स कि ही और शी कैन नॉट क्लियर. हो जाता है क्लियर, जस्ट थोड़े से एफर्ट्स और मारने पड़ेंगे आपको. ऐसे आप करोगे एंड ऐसे करके पूरा मॉक इवेल्युएट करना. एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग यू विल गेट टू नो कि आपके हर बुक में कितने रॉन्ग हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग बुक कौन सी है, वीक बुक कौन सी है. तो यू हैव टू, उसके बाद आपको मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि कौन सी बुक में ज्यादा फोकस करना है और कौन सी बुक में अभी अच्छा है तो थोड़ा कम फोकस करेंगे तो चल जाएगा. ऐसे करते करते यू आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 मॉक्स. बट अगर टाइम की कमी है या फिर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो एटलीस्ट 2 गार्ड के मॉक्स तो फॉर श्योर प्रैक्टिस करके जाना ही. एंड देन आफ्टर दैट 6th नवंबर, आफ्टर दैट फ्रॉम 6th नवंबर टू 9th नवंबर, 9th नवंबर इज योर एग्जाम डे. तो फिर आई थिंक यू विल हैव 4 डेज. लास्ट में 4 डेज अपने पास बचा के रखना कैसे भी, और वो 4 डेज में व्हाट यू हैव टू डू इज ईच डे ईच बुक. और देन एक बुक का आपको रिवीजन लेना है, एंड देन हर एक दिन पे एक बुक का आप रिवाइज करोगे. आप रिवाइज कैसे करोगे, फटाफट जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको जस्ट फटाफट ऐसी पेजेस घुमाना, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ लेना, जस्ट ग्लांस कर लेना हर एक पेज पे कि क्या क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें एक बार जस्ट रीड कर लेना. एंड जो अपन ने क्वेश्चन हाईलाइट कर रखे थे मॉक्स के अंदर,
ये चारों मॉक्स के क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए थे वो फॉर श्योर देख के जाना, क्योंकि मॉक्स के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो वो जो मॉक्स के रॉन्ग क्वेश्चंस थे वो अच्छे से देख के जाना हर बुक के। एंड आई वुड तो सजेस्ट कि जो रॉन्ग नहीं थे वो भी एक बार देख लेना, वो सब देख लेना। फिर कुछ क्वेश्चन बैंक में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने रख रखे होंगे कि मैं आखिरी में एक बार और देखूंगा या देखूंगी, तो वो भी एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे प्रैक्टिस फॉर ऑल द फोर बुक्स एंड आई थिंक यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम। एंड स्टिल मैं अभी भी यही कहती हूँ सबको कि सुबह का स्लॉट बुक करना, क्योंकि अदरवाइज वो जो सुबह का टाइम होता है ना वो थोड़ी टेंशन क्रिएट करता है। एंड अभी किसी के आगे अगर कोई और डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, एनीवन हैज एनी डाउट? No one is having. Yes, you can ask me. मैम आपने बोला कि 1 अक्टूबर तक 80% सिलेबस होना चाहिए। मैम हाँ मेरा 60% हुआ है, सो हाउ डू वी मतलब आगे कैसे करें? आगे कैसे करे, 60% हुआ है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई लिख रहा है 40% हुआ है, तो व्हाट यू कैन डू इज जितना हुआ है उसका तो रिवीजन चालू कर दो। जैसे आपका अगर 40% 60% भी अगर आपका सिलेबस हुआ है तो 60% का रिवीजन स्टार्ट कर दो अपने दिन को। यू कैन डिवाइड इट इन टू, उसको दो सेशंस में डिवाइड कर दो एक दिन को। सुबह के सेशन पे तो सबसे पहले रिवीजन ही करना, क्योंकि जितना हुआ है उसको तो अच्छे से करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहले हो गया उसे पूरा रिवाइज करो, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड जो बचा हुआ दिन है ना उसमें मैक्सिमम ट्राई करो कि हम हमारा जितना बचा हुआ पोर्शन है उतना फटाफट खत्म करें। एंड अगर आपको ऐसे है कि आपको फटाफट फिनिश करना है तो यू कैन कम टू मी, आई विल, मैं बता दूंगी कि हर चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो बचे हुए चैप्टर है उनका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सब फिनिश कर लेना, बट रिविजन यू हैव टू स्टार्ट। जैसे सुबह आपने बोला कि एक सेशन होना चाहिए, लेकिन सुबह तो क्लासेस होते हैं 9 से हाँ 12, तो फिर कैसे करें? अच्छा, सुबह क्लासेस होते हैं आपके तो फिर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट रिवीजन तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जितना हुआ है उसका रिवीजन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो भी कच्चा पक्का रह जाएगा। इधर यहाँ पे लिख रहे हैं मैम क्वेश्चंस चैप्टर के साथ करना है या रिवीजन के टाइम पे? क्वेश्चंस जब आप पहले चैप्टर के साथ भी करना है उसके बाद रिवीजन के टाइम पे वापस से करना है। जितनी बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और कोई डाउट्स है? एंड एग्जाम है, ओके 18 अक्टूबर से सेम एंड का एग्जाम है, देन हाउ कैन यू डू इट 18 अक्टूबर? आई थिंक तो एटलीस्ट आप पहला रिवीजन तो करके रखो। पहले रिवीजन में आप सब कुछ इम्पोर्टेंट जो भी आपका बचा हुआ है वो सब आप हाईलाइट करके रखो। एंड देन जो बचा हुआ है उसको आप मॉक्स मॉक्स थोड़े कम प्रैक्टिस करना, 2 या 3 मॉक्स कर लो। एंड उसकी जगह पे रिविजन थोड़े ज्यादा कर लेना वो टाइम पे, या फिर जब आपके पास, जैसे ही आपकी सेम कब खत्म होगा, आपका सेम की एग्जाम्स कब खत्म होगी? ट्वेंटी फिफ्थ को ना, तो ठीक है 18 से लेकर 25th तक आप बीच में जो भी अमाउंट जो भी एग्जाम दे लो, फिर उसके 25th से लेके 1 नवंबर तक थोड़ा टाइम ज्यादा बढ़ा देना। स्टडी फॉर 10 10 आवर्स अ डे। एंड ट्राई करना कि पहला रिवीजन ही एकदम अच्छे से क्वालिटी रिवीजन हो जाए, तो सेकेंड रिवीजन में अगर कुछ रह भी जाए तो इतनी दिक्कत ना आए। और कुछ क्वेश्चंस है? हम जैसे जब हम मतलब 6 चैप्टर 7 चैप्टर करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड का थोड़ा मतलब कंसेप्ट ब्लर हो जाता है, वो है उसको कैसे करें? अच्छा, मतलब पहले का भूलते जाते हो आप, हाँ मैम, वो जब आप ऐसे 2 3 रिवीजन लगा लोगे ना तो आपको खुद से ही सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसे ऐसा आपको जस्ट लगता है कि आप भूलते जा रहे हो, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ याद रहता है। अभी मैं अपना ही केस बताती हूँ, मैंने मई 24 में लेवल 2 की एग्जाम दी है,
आई वॉज हैविंग 103 चैप्टर्स टू रिमेम्बर. मुझे एग्जाम के आखिरी दिन तक भी यही लगता था कि मैं भूल गई हूँ, मैं भूल गई हूँ. बट कुछ भूलते नहीं है, सब याद रहता है दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब याद रहता है. एंड फोकस एंड लर्न करने से ज्यादा इस चीज पे फोकस करना कि आप जो कंसेप्ट है ना उसको ज्यादा अच्छे समझ रहे हो, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्ट ही काम आएंगे. इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक रट्टा वट्टा तो फिर काम नहीं आएगा. एंड आर यू क्लियर? तो पेपर में यस मैम वो तो क्लियर हो गया। अब जो पेपर में जो टेबल्स है वो प्रोवाइडेड होता है ना जेड हाँ, टेबल पे प्रोवाइडेड होता है. पेपर में कैसा होता है, पेपर आपको ऐसे कंप्यूटर पे होते हैं, वहाँ पे साइड में ऐसे 3 डॉट्स होते हैं. आप वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको पूरा इंडेक्स आ जाएगा. वहाँ पे ऊपर ही टेबल्स भी दिए होते हैं, जस्ट यू हैव टू क्लिक दैट बटन. ओके ओके हाँ नहीं, आई वुड से दैट अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद की फॉर्मूला शीट भी बनाना. सब लोग चाहिए तो मैं भी फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगी. बट श्वेजर, आप लोग श्वेजर ही यूज करते हो फिर कोई और मटेरियल यूज करते हो? स्वेटर भी करते हैं और गार्ड स्वीट रीडिंग करते गार्प का ना, तो श्वेजर के पीछे ना आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले. तो वो सब एक बार अच्छे से करना. और आपको कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लगता है, जैसे कोई कोई क्वेश्चन होते हैं उसमें नए फॉर्मूला आते हैं, तो वो भी नोट डाउन करके रखना. एंड एंड मैं बोलती हूँ कि फॉर्मूला। हाँ बोलिए बोलिए. हाँ, हाँ फॉर्मूला शीट आप शेयर कर सकते हो क्या? फॉर्मूला शीट में एक बार शेयर कर दूंगी. एक्चुअली मैंने रफली लिख रखा है सब कुछ, बट एक बार चाहिए तो यू कैन मैसेज ठीक मी, मैं एक बार शेयर कर दूंगी जस्ट अपना, मैंने जो भी न्यू नोट्स बनाए थे. हाँ है मैम, अब ग्रुप पे डाल देना मैम। ओके श्योर. एंड हाँ, ऐसा है मैम, एवरेज टाइम एक क्वेश्चन को कितना देना चाहिए? एवरेज टाइम 2 मिनट्स, 2 मिनट्स पर क्वेश्चन. टू भी नहीं, आई वुड सजेस्ट 1.5 मिनट्स इज इनफ. अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ, बाद में देख लेना वो क्वेश्चन. वाह अच्छा, उसके लिए भी रहे, तो उसके लिए आपने पहले से नहीं पढ़ाई करके रखी? यू आर नॉट नोइंग. आपका रिवीजन कितना खत्म हुआ है यश? आपका रिवीजन कितना खत्म हुआ है? रिवीजन क्या, सिलेबस कितना खत्म हुआ है? सिक्सटी परसेंट खत्म हुआ है. अच्छे से हुआ है या फिर थोड़ा सा आपको सब कुछ अच्छे से नहीं आता है? फिर 60% में ऑलमोस्ट आपको 80% चीजें हैं जो समझ गई है. यू कैन स्पीक ऑल्सो. अच्छे से हुआ है तो नॉट टू वरी. देखो 40% जो बचा है मुझसे एक बार पूछ लेना. इट वुड बी बेटर कि हम थोड़े बहुत चैप्टर जो रेलेवेंट नहीं है वो स्किप कर दें. जो 40% का, हम उसे 30% कर देंगे. एंड जो 30% बचा हुआ है ना, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप वो सिलेबस खत्म करो, क्योंकि सिलेबस खत्म करना इम्पोर्टेंट है इस केस में. तो वो जो 30% सिलेबस बचा उसका सेम वन की पढ़ाई के साथ आप अलग से खत्म करना. एंड मैं, या तो फिर आपके लिए एक अलग से स्टडी प्लान बना दूंगी, आप मुझसे पर्सनली एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना इस केस के अंदर. और कुछ डाउट्स है? एनी मोर डाउट्स? आई थिंक इट्स डन. ओके तो हम मीटिंग एंड करते हैं अभी, या फिर किसी को, आई थिंक कल से हम बुक वन का रिवीजन चालू करेंगे. तो पहला चैप्टर मैं चालू करूंगी, उसमें आई थिंक हम हाफ चैप्टर कर पाएंगे. बुक वन अभी तक चालू हुआ या फिर चालू नहीं हुआ है? एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुआ तो अटेम्प्ट मिस कर गया वो बुक। मिस कर गए तो क्या, कहाँ से सुना है आपने? तो मैं उसके पहले का बता देती हूँ. भाई मिस कर गया था बुक अच्छा, ये 2 3 4 शुरू की। सर ने एक बार पूरा कराया था वैसे तो मिस हो गया ओके, मेरा। तो आपका पूरा मिस हो गया है. तो अभी आई थिंक रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होंगे, यस मैम रिकॉर्डेड है। ओके तो एक बार वो रिकॉर्डेड से कर लेना.
मैं ठीक वन है तो मैं करा दूंगी, वन की टेंशन मत करना, वन तो पूरा मैं करूंगी। आई थिंक वन के सिर्फ दो चैप्टर्स है जो प्रवीण सर कराएंगे, और तो सब मैं करा दूंगी। मैं पूरी बुक कराने वाले हो क्या? हाँ मैं पूरी बुक रिवाइज करवाऊंगी एक बार अच्छे से डिटेल वे में, ठीक है उसमें हम सब इम्पोर्टेंट चीजें जो भी है सब मार्क कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। क्वेश्चंस आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस करते हो? फोरम है उससे करते हैं। फोरम हॉस्टल, ठीक है। मैं थोड़े बहुत एनालिस्ट प्रेप के क्वेश्चंस भी है मेरे पास, वो सब मैं एक बार लेके आऊंगी, तो अपन उससे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सब एनालिस्ट प्रेप है कुछ तो पीडीएफ में। अच्छा उसका पीडीएफ है आप लोगों के पास? यस मैम। ठीक है, तो हम उसके मैं अपने हिसाब से देख के आऊंगी, जो भी हमें ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, और कुछ डाउट्स है आप लोगों के पास? मेरी हैंडराइटिंग से थोड़ा बेयर करना पड़ेगा आप लोग। मीटिंग एंड कर सकते हैं अभी? अभी मैं हूं नहीं, मैं सर को बोल के ऐड हो जाऊंगी। यू ऑल कैन टेक माय नंबर, लेट मी जस्ट राइट इट एंड कॉन्टेक्ट टू मी। बस मुझे एक बार बता देना कि एक्चुएटर से हो, तो फिर मैं आगे बात कर लूंगी आपसे। ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज कर देना एक बार। जैसे ऐड हो जाओ कि वो फॉर्मूला शीट एक बार सेंड कर देना। हाँ, पक्का पक्का, मैं एक बार कर दूंगी। ठीक अभी मीटिंग एंड कर सकते हैं या फिर कुछ और बात तो या फिर डाउट्स है? है। आई थिंक एवरीवन इज गुड विद इट, सो वी कैन एंड इट। ओके, या बाय, टेक केयर।